विवेक कुमार उपाध्याय, ब्यूरो चीफ अयोध्या से खास रिपोर्ट। बारून बाजार अयोध्या में संचालित ओएन एकेडमी विद्यालय ग्रामीण अंचल में शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यहाँ हाई स्कूल परीक्षा व इंटर में बच्चों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया, जहाँ पर अंकिता चौहान पुत्री चंद प्रकाश 85%, अंशिका तिवारी पुत्री सुभाष तिवारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 84% अंक प्राप्त किया। वहीं साइना पुत्री महमूद आलम 81%, प्रियंका कनौजिया ने कक्षा 12 में 78% प्राप्त किया। वहीं बहुत सारे बच्चों ने 80% से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रबंधक धर्मपाल पांडे जी ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर प्रतिमा तिवारी, शकुंतला मौर्य, मिथिलेश मिश्रा, पूजा यादव और भी शिक्षक शिक्षिकाएँ मौजूद रहे। बहुत सुंदर है, ये आईएएस बनना चाहती हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे और मेहनत आप करिए। आपके पिताजी आए हैं सर, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है सर, हमें भी। सर विद्यालय के परिवार की तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सारे बच्चे जितने भी हैं जी, बस ऐसे जो है कि संघर्ष करते रहें जी, और इनका संघर्ष का मेहनत जी कभी न कभी तो खिलेगी। इन टीचरों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई इनको हम देते हैं, मतलब आप संतुष्ट हैं? विद्यालय परिवार पूरी मेहनत करता है तत्पर से, और छात्राएं भी बहुत मेहनत करती हैं। बहुत बहुत। बेटा आपका क्या नाम है? किस क्लास में है? 10th। कितना परसेंटेज है? 84% ये हाई स्कूल में पाई है। आपका क्या आगे चल के क्या करना है? IPS बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी भी, आप आगे चल के IPS बने, IAS बने, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम बेटा? अंकिता चौहान। किस क्लास में है? हाई स्कूल में। कितना परसेंटेज है? 85% है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। अब आपको क्या कहना है अपने टीचर के प्रति? टीचर ने बहुत मेहनत की हमें पढ़ाने में, टीचर का परिणाम है, आपका भी परिणाम है। जितना मेहनत स्कूल में टीचर लोग करते हैं, उतना मेहनत अगर गार्जियन भी घर पे करने लगे बच्चों के प्रति, तो दुगना रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, दुगना परिणाम दिखाई पड़ेगा। और ये विद्यालय भी हम देख रहे हैं कि हर वर्ष नई नई तकनीक, नई नई भाष से विद्यालय रोज नई नई तकनीक ला रहा है, और अच्छे अच्छे टीचरों की ज्वाइनिंग यहाँ हो रही है, और इतना अच्छी मेहनत से यहाँ लगभग दूर दूर तक कोई विद्यालय नहीं दिखाई पड़ता, कि यहाँ के प्रबंधक जी भी नई नई तकनीक दूर दूर जाते रहते हैं, और जो देखते हैं वो विद्यालय में डालने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, यहाँ के टीचरों को, और यहाँ के बच्चों